Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So today's video is another review video of the same product जिसकी मैंने अभी recently video डाली थी, Parul Gurk Beauty. और मैंने last videos जो थी वो डाली थी उनकी lipsticks की, liquid lipsticks की. आज मैं लेकर आई हूँ उनके liquid eyeliner. So colored eyeliner है, shimmered eyeliners है, बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब उनके बाद में ना आपको आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं है. तो आज हम चेक करने वाले हैं तीन शेड्स, उनकी कंसिस्टेंसी देखने वाले हैं, कितने स्मूथ हैं, एप्लीकेशन इजी है या नहीं है, स्टे कैसा है, ये सब कुछ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं वीडियो. सो दीज आर द थ्री शेड्स, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल. ये तीनों की तीनों मैं आज ट्राई करने वाली हूँ. सो दे आर प्राइस्ड एट 595 रुपीज, बट आपको डिस्काउंट पे मिल जाएंगे. और 5 ml इस इनकी क्वांटिटी है. मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और स्वॉचेस भी करके दिखाने वाली हूँ. सो स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन शेड से. सो ये ग्रीन कलर में ग्लिटरी शेड है और बहुत ही सुंदर लगता है. जो इन आईलाइनर्स की टिप है वो काफ़ी फाइन है, तो आपको लगाने में बहुत इजी होता है. आप 1, 2, 3 जितने भी कोट्स लगाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं. दीज आर ऑल्सो वीगन एंड FDA अप्रूव्ड, तो कुछ भी इनमें आपको टॉक्सिक वो नहीं मिलेगा और एनिमल टेस्टिंग नहीं मिलेगी इनके ऊपर, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. तो ये काफ़ी क्विक ड्राइंग है, विच आई रियली लाइक. मतलब लगाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा देर ना वेट नहीं करना पड़ता, कीपिंग इन माइंड कि ये बहुत ग्लिटरी हैं. तो ग्लिटर्स आपको पता है मेकअप में बहुत देर लगता है सूखने में, इवन इन नेल पेंट्स, बट ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है. लॉन्ग लास्टिंग है और मैं बाद में अच्छे से आपको पूरा रिव्यू देने वाली हूँ. अभी के लिए फ़िलहाल ये एमरल्ड ग्रीन शेड में लगाया है एंड जस्ट लुक एट दैट, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. और बहुत एकदम वाइब्रेंट कलर है, तो मतलब अगर आप किसी ओकेजन पर कुछ वाइब्रेंट पहनना चाहते हो ना, तो दिस इज़ द कलर फॉर यू. द सेकेंड शेड इज दिस सफायर ब्लू शेड और ये एकदम पार्टी वाला शेड है. इलेक्ट्रिक ब्लू है और एकदम ग्लिटरी है, बहुत ऐसे पॉप नहीं करता बट एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आपको जो ग्लिटर चाहिए ना वो आपकी आंखों पे आता है. और ब्लू आई थिंक सबका फेवरेट होता है व्हेन इट कम्स टू पार्टीइंग, व्हेन इट कम्स टू नाइट पार्टीज या कुछ भी आपको ऐसी जगह पे जाना है ना, तो रात में ब्लू बहुत अच्छा लगता है. ग्रीन मेरे ख्याल से दिन के लिए बहुत अच्छा है और ब्लू रात के लिए बहुत अच्छा शेड है. एंड जस्ट लुक एट दैट कि ये टिप की कितनी अच्छी है इनकी, मतलब बहुत ईजीली आप लगा सकते हो. आई एम नॉट अ प्रो एट अप्लाइंग विंग लाइनर, बट इनसे फिर भी मैं लगा पा रही थी एंड बहुत ज़्यादा मेरे को मोटा लगाना पसंद नहीं है, तो काफ़ी आप अगर पतला चाहते हैं तो बहुत पतला भी लगा सकते हैं. एंड यू कैन इवन गो टू योर कॉलेज आफ्टर अप्लाइंग देम. बहुत क्यूट लग रहे थे और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई दीज. सो ये वाटर प्रूफ आई लाइनर्स हैं, तो इसीलिए आप इन्हें पानी से ऐसे आराम से नहीं हटा सकते. इनके लिए आपको या तो मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप ऐसे जो आजकल ये पैड्स आ रहे हैं ना इनको गीला करके आप लगा सकते हो, तो ऐसे आपको मेकअप को हटाना पड़ेगा. उसमें भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है निकालने में. तो मैं स्वॉचेस कर रही थी तो बहुत मुश्किल हो रहा था बार बार इनको हटाना, फिर वापस से बेस का मेकअप करना, इट वॉज़ रियली हार्ड डूइंग द स्वॉचेस. बट ये एक अच्छी बात है कि लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ भी हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड शेड, ये है एमेथिस्ट पर्पल. एंड पर्पल शेड है, काफ़ी डिफरेंट शेड है, ये आपको बहुत सारे ब्रांड्स में नहीं मिलता है और बहुत यूनिक शेड है, क्लोज टू ब्लैक. तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे पॉप नहीं चाहते हो ना, जैसे कि ग्रीन वॉज अ बिट पॉप, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉप नहीं चाहिए तो ये वाला शेड आप लगा सकते हो. मैंने बॉटल को ना शेक नहीं किया था इसीलिए इसमें ना ग्लिटरी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मैंने ऐसे उठा के लगा लिया था. सो मेक श्योर दैट यू शेक द बॉटल प्रॉपरली और उसके बाद में लगाओ, ताकि जो ग्लिटरी पार्टिकल्स हैं ना वो एकदम मिक्स हो जाएँ और आपका जो लाइनर है वो अच्छे से लग जाए. मेरा इसीलिए ना बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं दिख रहा है और पानी पानी सा दिख रहा है, बिकॉज मैंने उसको शेक नहीं किया था. सो Always remember to shake and this is how the purple looks. काफ़ी decent shade है, बहुत ही एकदम subtle shade है. बात करते हैं अब स्टे की और कंसिस्टेंसी की. कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, थोड़ी सी लिक्विडी है तो आपको लगाने में और भी ज्यादा इजी होगा, तो बहुत ही स्मूथली लग जाती है.
एंड स्टे की अगर हम बात करें सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 आवर्स और अभी तक भी ये मतलब सो आप देख सकते हैं देर इज नो ट्रांसफर. सो देर इज नो ट्रांसफर सो दे आर ट्रांसफर प्रूफ और लॉन्ग स्टे है. बहुत ही ऐसे शाइनी शिमरी हैं. सो आई थिंक इफ यू समबडी जिसको आई शेडो लगाना पसंद नहीं है उसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि फेस के ऊपर एक कलर आ जाता है और बस एक लाइनर आपके लिए काफी रहता है. जस्ट लाइक मी मुझे लाइनर लगाना बहुत ही पसंद है बट मुझे आई शेडोज लगाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड फॉर मी. सो मेरी तरफ से इट्स अ बिग थम्स अप फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड अगर आप इनमें से कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप पारुलर ब्यूटी के इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके देख सकते हैं. वहां पर इनके स्वॉचेस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएंगी प्लस आपको वहां पे वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप जाके कन्फर्म कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है कि क्या करना है. लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी. मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में. चलते हैं, बाय बाय.